मेरे नाम रजिस्ट्री है, इंतकाल है, हाउस टैक्स है, निशानदेही है और ये डॉक्यूमेंट सारे मेरे नाम है, जिसका खसरा नंबर 3896 है जो सरकार ने मेरे को दी है। सरकार के देने के बाद ये सरकार की स्कीम आई थी भी 2001 से लेकर 2011 तक के आपके पास कोई बिजली का बिल है, कोई हाउस टैक्स है तो आप ये मतलब आपके नाम ये रजिस्ट्री कर देंगे। तो मैंने ये सरकार से ज़मीन ली थी और सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास। उन्होंने 3897 खसरा नंबर का केस डाल रखा है, ज़मीन मेरी 3896 है जो कुएं का नंबर है। डीसी साहब ने ऑब्जेक्शन लगाया था, उसमें ऑब्जेक्शन चेक कर सकते हो, वे कुएं की ज़मीन है, कुएं की ज़मीन पब्लिक की होती है, चेक किया जाए इस पर बिल्डिंग बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तहसीलदार आया, उसने लिखा इस पर बिल्डिंग बनी हुई है तो मेरी रजिस्ट्री हुई। मैंने कोई कुएं की ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई है, कुएं की कुआ मौके पे नहीं है तो रजिस्ट्री हुई। खसरा नंबर 3897 है जिस पे PWD की सड़क का नंबर है, जिस पे सड़क बनी पड़ी है 16/11/1955 का, PWD के नाम इंतकाल हो रहा है। मेरा 3896 खसरा नंबर कस्टोडियन का है, केंद्रीय सरकार का है, जो मैंने सरकार से ली गई है, जिसकी निशानदेही हुई है, सारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास। उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक बलदेव, उसने जो ठीक शपथ पत्र दे रखा है कि उसमें ये बोला है भाई ईश्वरदास अपने वादीगर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इस पर सतबीर का कोई लेना देना नहीं है, सतबीर का कोई कब्जा नहीं है। उस बलदेव की जो ठीक गुवाही के कारण मेरे पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज इन्होंने उसमें राम रहीम वाले केस में करवा दिया था, मैं घर बैठा था उस टाइम, इन्होंने पीछे से गवाही करवाई है और गवाही में लिख दिया भाई सतबीर का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा सतबीर का चला आ रहा है 1997 से पहले। अगर इनके पास कोई भी प्रूफ हो मैं ये ज़मीन मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर ये प्रूफ दिखा दो, पानी का कनेक्शन हो, बिजली का बिल हो या कुछ भी दिखा दो, हाउस टैक्स हो भाई ये मैंने नंबर रखा है, ये देखो ये हमारा हाउस टैक्स हमारे नाम 3896 नंबर का दिखाओ। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ भाई मैंने विश्वास है अपने ऊपर, मैंने अपनी ज़मीन सरकार से ली है, निकल जाता तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं देने के बिल्कुल आपको मीडिया के सामने बोल रहा हूँ जिस पर मर्जी बुलवा लो भाई। 1997 के बाद अगर कोई पानी का कनेक्शन हो, कोई बिजली का बिल भर रखा हो, कोई मीटर का बिल हो वो दिखा दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। परमिशन है, वन विभाग में गए थे, वन विभाग वाले बोले अगर आपके पास रजिस्ट्री है, आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप इसको काट सकते हैं, अगर आपके प्लाट में है तो आपने बनाना है तो उसको काटो, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। और जो ऑब्जेक्शन है कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की तरफ है, आप उधर से धारा लगती है, अगर कोई पेड़ काटता है बगैर परमिशन के तो यहाँ पे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आपके प्लाट में आप काट लो। पुलिस प्रशासन आज वो इनकी शिकायत की वजह से आया था, उसकी शिकायत की वजह से पुलिस उसने फिर मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं की। रजिस्ट्री सारे कागज मेरे नाम है, विचाराधीन केस मेरी जो मिसिज है उसकी फाइल बंद पड़ी है, जिसकी मैंने अपील की हुई है, जिस टाइम वो अपील खुलेगी तो मेरा कब्जा चेक होगा, जिसने जो ठीकवाई दी है तो वो उसमें अपने आप उसके खिलाफ में कार्रवाई कर। पर रजिस्ट्री है, इंतकाल है, हाउस टैक्स है, निशानदेही है, 25 साल के बिजली के बिल है और 15 साल का हाउस टैक्स है मेरे पास सारी ज़मीन का। जिन्होंने आरोप लगाया वो तो आरोप लगाएंगे, वो तो अपने वो आरोप लगाने वाले तो लगाते रहते हैं। कोई रंजिश वगैरह है? हाँ रंजिश पूरी चल रही है, 506 लगी थी इन पर मुकदमे दर्ज हुए थे पहले, अभी भी लड़की के ऊपर मुकदमा दर्ज चल रहा है 506 का, इनकी लड़की है जो उसके ऊपर इन्होंने ब्लेम लगाने की कोशिश की थी। और बलदेव के उस पर है ना अभी 7/51 लगी है ताजी ताजी। सतबीर ने जो है 1998 के अंदर 19.5 गज जगह जो है वक्कम बोर्ड से खसरा नंबर 3897 अपने नाम अलाट करवाई थी। इसने जो है 2013 के अंदर इसके कुछ रिश्तेदार जो है कस्टोडियम में जो है लगे थे, उनके थ्रू इसने अप्लाई की थी और अप्लाई करने के बाद इसने जो है 78 वर्ग गज की रजिस्ट्री जो है 2015 में अपने नाम करवाई, जिसका खसरा नंबर 3896 है, वक्कम बोर्ड से 3897 है जो इसने 2098 में करवाई। 2015 में जो इसने रजिस्ट्री करवाई वो खसरा नंबर 2096 है। 2014 में कानगो रोहतास दहिया ने इसके बारे में रिपोर्ट दी कि कब्जा जो है सतबीर का है, जबकि 2017 के अंदर इसने कोर्ट से स्टे लेके बाद में एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के साथ मिली भगत करके इसने जो कब्जा किया, मामला कोर्ट में चला गया। मामला जो है इस टाइम जो है ईश्वरदास के हक में है, मामला कोर्ट के अंदर है। 98 में इसने अलाट करवाई है, 98 में अलाट कराई है, मैं डॉक्यूमेंट देता हूं, 98 में अलाट करवाई है इसने, 98 में यहां आके बसा है। हाउस टैक्स जो है, हाउस टैक्स के बारे में जो है बात है वो ऐसे है कि 158 रुपए कुछ पैसे जो है वो सरकारी रसीद है, जो इसने रजिस्ट्री करवाई है वो 18,000 कुछ रुपए की है, वो भी फर्जी है। मैं डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए तैयार हूं।
जहां मर्जी मेरे से डॉक्यूमेंट ले लो, मैं पूरा सूट के दिखाओ, मैं सूट के पूरा भर के बैठा हूं। फर्जी दस्तावेज दे के लिए और कानगो रोहतास दहिया से मिली भगत करके लिया है। कब्जा इसका जरूर है मगर केस तो हार चुका है। एक पिपल का पेड़ जिसके ऊपर भगवान विष्णु श्री निवास करते हैं उसको इसने काट दिया है। किससे परमिशन लिया? वन विभाग से लिया है या पड़ोसियों से लिया? किससे लिया है? हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करवाएंगे। अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई हम सीएम तक जाएंगे, अनिल विज तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे, राष्ट्रपति तक जाएंगे, मानव योग तक जाएंगे। हम इसकी जो पिपल जो इसने काटा है, जो 24 घंटे जो है इंसान को जो ऑक्सीजन देता है, जो कोरोना काल के अंदर इसको राष्ट्रीय पेड़ घोषित किया गया है, इसको जो राष्ट्रीय पेड़ को काटा गया, इस राष्ट्रीय पेड़ की कार्रवाई हम करवाएंगे।